हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड बजट। एंड मैं हूं कमल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूं कि मैं अपने मेकअप ब्रशेस को किस तरह से क्लीन करती हूं, तो आइए आप लोग भी मेकअप ब्रशेस यूज़ करते होंगे। आज का दौर ऐसा है कि हर कोई ये प्रोडक्ट यूज़ करता है। ये मेरे कुछ स्पॉन्जेस हैं और मेकअप ब्रशेज हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो आइए हम सब लोग देखते हैं कि किस तरह से मैं ये सारे ब्रशेस को आपको क्लीन करने का विद कॉमन किचन थिंग से सिखाती हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए जब तक वीडियो एंड हो। ओके जी, ये सबसे पहले मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। ये पानी जो है नीम गर्म है, इसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया है, यानी कि सर्फ डाल दिया है। 3 से 4 स्पून जो है मैंने डिटर्जेंट के डाल के अब इसको मैं अच्छे तरीके से छाग बना लूँगी। छाग बना लेने के बाद अच्छा, एक और बात कि सबसे पहले मैं स्पंजेस को साफ़ करूँगी, तो ये सबसे पहले मैं इसकी छाग बना लूँगी और तब तक इसको मैं घोलूँगी जब तक ये अच्छे से पूरे तरीके से घुल जाए। उसके बाद जो है मैं इसमें स्पंजेस डालूंगी। ये स्पंजेस के कलर्स देखिए, ये अपनी ओरिजिनल कलर से बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें स्पंजेस को डिप कर दिया और जैसे जैसे मैं डिप करती जा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पानी का कलर जो है ना वो चेंज हो रहा है, और यहाँ तक चेंज हो जाता है कि इसमें जो सर्फ डाला हुआ है, जो डिटर्जेंट डाला हुआ है, वो भी अपनी जो पिगमेंटेशन है वो जो है वो भूल जाता है। अब ये देखिए, जैसे जैसे ये साफ़ हो रहे हैं, अपने ओरिजिनल कलर में आ रहे हैं। ओके जी, ये मैंने एक पानी जो है इनका निकाल दिया है और एक पानी से अच्छे खासे मेरे स्पंजेस बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब जो है मैं इसमें नेक्स्ट पानी डालूंगी। ये पानी की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से मेकअप बेसिस वगैरह इसमें आ गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि कुछ शादियों की वजह से और मुसलसल मेकअप करने की वजह से जो है ना, मैं इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाई थी। आज थोड़ा टाइम मिला तो आई थॉट कि इन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान का हिस्सा होती है। ओके जी, ये देखिए, अब फिर से मैं स्पंजेस को इसमें डाल रही हूँ और स्पंजेस को डालते ही फिर से पानी का कलर जो है वो हमारी जो है फाउंडेशन कलर के साथ मिक्स हो जाता है। ये देखिए, स्पंजेस अपने ओरिजिनल कलर में आ रहे हैं और अपने साइज़ से इनलार्ज भी हो रहे हैं। ये ओरिजिनल स्पंजेस हैं। ये देखिए, ये सारे मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं एक और पानी लूँगी ताकि इनको मैं अच्छे से साफ़ कर सकूँ। ओके जी, ये मैंने एक और पानी ले लिया है। अब इसमें मैं अपने तरीके से जो है ना, मैंने फिर से डिटर्जेंट जो है ना वो ले लिया और इसको फिर से मैं छाग बनाने तक रखूँगी कि अच्छे से झाग बन जाए। अच्छा, एक और बात, जो पानी यूज़ किया है, मेरा सारा पानी जो है वो गर्म है। गर्म मतलब ऐसा है कि सिर्फ हाथ डिप हो सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। अब ये देखिए, ये मैंने अपना ब्रश यूज़ किया है। ये मेरा ब्रश जो था, इसमें से आप देख रहे हैं कि किस हद तक इसमें से जो मैंने ब्लेंड किया है, तो कैसे इसमें से फाउंडेशन आउट हो रही है। इसको अच्छे से जो है मैंने भिगो दिया है इसमें, और ये वन बाय वन जो बाकी ब्रशेज़ हैं, आई मेकअप के ब्लेंडिंग ब्रश, प्ली ब्रश वगैरह, ये लाइनर ब्रश भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये सारे ब्रशेज़ मैंने इसमें डाल के अच्छे से इनको भिगोने के लिए रख दूंगी। आप देखेंगे मेरे ब्रशेज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये देखें किस हद तक ये ख़राब हो चुके हैं, और इनको मैं वन बाय वन जो है ना वो साफ़ कर रही हूँ। ये देखें, ये मेरा अच्छा फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इसमें से जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, फाउंडेशन, लाइनर्स वगैरह, ये सारी जो है निकल रही हैं। मैं आराम आराम से साफ़ कर रही हूँ। ओके जी, ये ब्रशेस रखा दी हैं और ये अलग से मैंने एक कटोरी में जो है वैसे ही गर्म पानी लेकर, साफ़ पानी लेकर उसमें जो है अपने स्पंजेस को डिप कर दिया है और ब्रशेस को भी मैंने इसमें डिप कर दिया है। ये मैंने ब्रशेस और स्पंजेस इसमें रख दिया है। 1 घंटे के बाद ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये किस हद तक पानी जो है वो निकला है। ये थोड़ा सा अलग से भी मुझे स्पंज मिला था तो मैंने इसमें रख दिया था। ओके जी, अब ये जो है मैंने एक पानी निकाल दिया है 1 घंटे के बाद। अब मैं साफ़ पानी से इसको वॉश कर रही हूँ और ये नल से जो है ना मेरा गर्म पानी ही निकल रहा है। इसमें मैं अच्छे से डिप करूंगी और तब तक इनको धोती जाऊंगी जब तक ये जो है पानी से कलर जो है ख़त्म नहीं होगा। जब तक पानी से कलर ख़त्म नहीं होगा, हम लोग इनको साफ़ करते जाएंगे और इनको निकालते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसमें से जो है कलर बिल्कुल निकल चुका है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं, तो मुझे जो है दूसरा पानी चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे स्पंजेस भी आप देख सकते हैं, ये भी अब पहले से कुछ अच्छी हालत में आ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से
आ चुके हैं, ये ब्रशेस देखें, ये भी पास साफ़ हो चुके हैं और ये भी साफ़ हो चुके हैं। अच्छा, जो लास्ट स्टेप होगा ये क्या करेंगे, मैंने एक तौलिया लिया है, उसके ऊपर सारे ब्रशेस जो हैं वहाँ से साफ़ करके इस पर बिखेर दिए हैं, ये पंखे के नीचे मैं डाल दूँगी और जब ये सूख जाएंगे तो इनको अपने उसमें डाल दूँगी पॉकेट में। ओके जी, ये था आज का मेरा वीडियो। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, समझ आए तो शेयर कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।